सरसिल्क लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में सरसिल्क लिमिटेड कंपनी और उनके वर्कमैन के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। वो डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन सुनाती है, अपना अवार्ड सुनाती है और गवर्नमेंट को सेंड कर देती है कि गवर्नमेंट उसे पब्लिश करे। गवर्नमेंट को वो अवार्ड पब्लिश करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्लोज 1। लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट उसे पब्लिश करती, उस डिसीजन को पब्लिश करती, दोनों पार्टीज के बीच में एक सेटलमेंट हो जाती है। पार्टीज गवर्नमेंट को ये कहती है कि वो अवार्ड पब्लिश ना करे क्योंकि उन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सेटलमेंट हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि सेक्शन 17 क्लोज 1 के अंडर ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए कि उसे अवार्ड पब्लिश करना ही पड़ेगा। सरसिल्क लिमिटेड कंपनी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करती है अंडर आर्टिकल 226। लेकिन हाईकोर्ट भी गवर्नमेंट की बात से एग्री करते हुए ये कहता है कि सेक्शन 17 के अंडर ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो अवार्ड को पब्लिश करे। देन सरसिल्क लिमिटेड कंपनी SLP के अंडर सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। तो इस केस में जो इशू अराइज होता है वो ये कि क्या गवर्नमेंट फ्री है कि वो पब्लिश ना करे अवार्ड अगर पार्टीज के बीच में ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया हो। ये अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है सेक्शन 17 को और सेक्शन 18 को। सेक्शन 17 क्लोज 1 ये कहता है कि जो भी अवार्ड गवर्नमेंट को भेजा जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या कोर्ट के द्वारा, वो अवार्ड पब्लिश करना होगा गवर्नमेंट को 30 दिनों के अंदर, और ये अवार्ड पब्लिश करना मैंडेटरी है, डायरेक्टरी नहीं। सेक्शन 17 क्लोज 2 ये कहता है कि ये अवार्ड फाइनल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ऑब्जर्व करती है सेक्शन 18 क्लोज 1 को, जो ये कहता है कि अगर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, तो वो दोनों पार्टीज बाइंड होगी उस एग्रीमेंट के, जैसा कि इस प्रेजेंट केस में हुआ है। दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट करके सेटलमेंट कर ली है, तो इसलिए वो दोनों पार्टीज बाइंड होंगी उस एग्रीमेंट के। देन कोर्ट ऑब्जर्व करती है सेक्शन 18 क्लोज 3 को, जो ये कहता है कि कोई भी अवार्ड जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या कोर्ट सुनाएगी, तो वो अवार्ड पार्टीज के बाइंड होगा, पार्टीज को वो अवार्ड मानना पड़ेगा। तो इस प्रेजेंट केस में हम देख रहे हैं कि 18 क्लोज 1 और 18 क्लोज 3 दोनों सेक्शंस के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, क्योंकि 18 क्लोज 1 ये कहता है कि पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो दोनों पार्टीज बाइंड होंगी उस एग्रीमेंट के, और 18 क्लोज 3 ये कहता है कि जो भी अवार्ड सुनाया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या अदर कोर्ट्स के द्वारा, तो वो अवार्ड के पार्टीज बाइंड होंगी। तो इस तरह से इन दोनों सेक्शंस के बीच में इस प्रेजेंट केस में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन बताती है, ये डिसीजन सुनाती है कि सेक्शन 18 क्लोज 1 जो है यहाँ पर, उसको हम देखेंगे कि जो पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट की है उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है। और इससे बेहतर क्या होगा अगर पार्टीज ही आपस में एग्रीमेंट करके डिस्प्यूट खत्म कर लें। सुप्रीम कोर्ट इस केस में यही डिसीजन सुनाती है कि यहाँ पर अवार्ड जो है वो पब्लिश ना किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा।